नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नल कनेक्शन से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा दिन लग गए इस वीडियो को लाने में, तो दोस्तों मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जो वाकई में काम की हो। तो इसी कड़ी में आपका ये जो वीडियो आज का है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। फॉर्म तो लगभग ज़्यादातर लोगों से भरना आ जाता है, लेकिन इसकी पेमेंट का जो है ऑप्शन, ये लोगों को नहीं समझ में आता कि ऑनलाइन पेमेंट कहाँ से होगी। तो फॉर्म अगर आपने क्लियर भरा है, अच्छा भरा है, तो आपको पेमेंट में भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसकी प्रोसेस भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले MP नगर पालिका के पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आप ई सर्विस में देखेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स के बाद ये वाटर कनेक्शन का जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपको प्रोसीजर अगर देखनी है तो देख सकते हैं, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर आप वीडियो देखते चलें और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ओपन कर लेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किस शहर में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे सर्च करने पर। वैसे तो आप स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं, और वैसे नहीं तो आप सिर्फ अपने जो फर्स्ट नेम है लेटर का वो कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जबलपुर फिलअप कर दिया है। थोड़ा देर आपको वेट करना होगा यहाँ पर, और जैसा ही ये लोड ले लेगा उस नगर निगम की या उस जनपद पंचायत की साइट को जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं नल कनेक्शन के लिए, तो थोड़ा देर वेट करें दोस्तों। यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। तीन तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो आपके पास नई संपत्ति कर ID हो जो कि 1 से स्टार्ट होती है, पुरानी संपत्ति कर ID जो कि 4 से स्टार्ट होती थी, और मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है अगर प्रॉपर्टी टैक्स में, तो आप उसके थ्रू भी यहां से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास वो फिलअप कर दे। तो चलिए मैं प्रॉपर्टी टैक्स की ID यहां पर डाल दे रहा हूं, और इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स की जो भी आप, मैं यहां पर टेस्ट वैल्यू डाल रहा हूं। आपको ओरिजिनल जो है अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद में से देख करके यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं जैसे ही आप सर्च बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो जिस भी प्रॉपर्टी टैक्स की ID आप डालेंगे उसका लगभग पूरा फॉर्म फिलअप हो करके ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चलिए सर्च पर क्लिक करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास संपत्ति कर ID नहीं है तो आप यहां से उसे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर जो है सर्च का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। नाम के थ्रू आप या मोबाइल नंबर के थ्रू या किसी भी एड्रेस के थ्रू अपना जो है संपत्ति कर ID यहां से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म की तरफ वापस चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली हिंदी में नाम जो है ऑटोमेटिक आपका फिल हो करके आएगा, और मोबाइल नंबर भी अगर आपका पहले से फीड है तो वो भी होकर आएगा। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है। इंग्लिश में नाम यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा तो वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में नाम जो है फिल कर देना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि आपको अगर किसी लेडीज़ के नाम से है तो उनका नाम लिखना है W/O वाइफ ऑफ, फिर उनके हस्बैंड का नाम लिखना है। ऐसे करके आप यहाँ पर जो है नाम फीड कर देंगे, और अगर पुरुष वर्ग है तो श्री लगा करके नाम लिख दें और पिता का नाम लिख दें सन ऑफ करके। तो ये थी प्रोसेस, बहुत ही छोटी सी प्रोसेस थी। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे, कनेक्शन का प्रकार आपको देख लेना है यहाँ पर। तो वो मैं आपको बता दूं, आपको अगर रेसिडेंशियल यूज़ करना है घरेलू उपयोग के लिए तो आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो कनेक्शन का साइज़ है नीचे वाली लाइन में, जो कनेक्शन का साइज़ और दर दी हुई है ये यहाँ पर आपको चूज़ करना है। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो, अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है ₹170 पर मंथ, आधा इंची साइज़, जो ये जो पाइप का साइज़ होता है आधा इंची, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और कॉमर्शियल कनेक्शन लेना है तो नीचे वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमर्शियल लिखा हुआ है। और BPL कार्ड है तो ये ₹30 पर मंथ वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, आप इसे ले सकते हैं। तो ये BPL वाला है, और ये जो है आपका रेसिडेंशियल वाला है नॉर्मल घरेलू कनेक्शन, तो इसे आप सिलेक्ट कर दें इनमें से किसी को भी। और फिर उसके बाद आपको नीचे आ करके, यहाँ नीचे आपको फ़ोटो पहचान पत्र दिख रहा है तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है आपका कोई भी आधार कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आपको सहूलियत हो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे कुछ भी अपलोड नहीं करना है।
ये जो ULB वाला प्लम्बर साइट प्लांट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है और सीधे सिंपली आपको नीचे सबमिट बटन जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उससे पहले आपको ये चेकबॉक्स जो है इस पर भी ज़रूर आपको क्लिक कर देना है। ये चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट का बटन जो एक्टिवेट हो जाता है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर तरफ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट। दोस्तों अब आपको फिर से ई नगर पालिका के पोर्टल पर आ जाना है और फिर से ई सर्विस पर जा कर के अब यहाँ पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ट्रैक एप्लीकेशन पर आप यहाँ पर वही एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने कॉपी किया हुआ था या लिखा हुआ था, तो इसे आपको यहाँ पर डाल करके सर्च कर लेना है। और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका जो है फॉर्म यहाँ पर, तो दोस्तों ये जो फॉर्म ओपन होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नीचे आप आएंगे थोड़ा और यहाँ पर सबसे नीचे देख रहे हैं फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और जो पूरा फॉर्म है इसका प्रिंट आउट आपको निकाल करके रख लेना है A4 साइज पर। अब ये तो रहा आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब आप इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इस बार फिर से चलना है पोर्टल पर और होम पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। इस बार आपको ई सर्विस पोर्टल पर यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे न्यू वाटर कनेक्शन पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आएंगे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि तुरंत इसकी पेमेंट नहीं होती जो आपका फॉर्म निकला हुआ है, या तो आपको आपकी जो नगर पालिका लगती है वहाँ कैसी वर्किंग कंडीशन चलती है, 2 दिन में 3 दिन में 1 हफ्ते में या 15 दिन में कितने दिन में आपका जो है वहाँ पर कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य होता है यहाँ पर, तो जैसे ही वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर वही एप्लीकेशन नंबर डालना है और सर्च करना है, तो आपकी पेमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि हमारे नगर निगम में बहुत जल्दी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, लगभग 2 दिन में ऑप्शन आ जाता है ये पेमेंट का। और अगर आपको और भी जल्दी है, इससे भी जल्दी आप कराना चाहते हैं, तो जो प्रिंट आउट आपका निकला हुआ है उसे आप नगर निगम या अपने जनपद कार्यालय में लेकर के जाएं और वहां से उसे वेरीफाई करवा दें, और चाहे तो पेमेंट भी वहां से ही करवा दें, या पेमेंट अगर वहां से नहीं करवा सकते हैं तो आपको ऑनलाइन से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपको यहाँ पर चेक करते रहना, आपके मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है इस चीज़ का वेरीफिकेशन का, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है थोड़ा। और यहाँ पर जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर अपना डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस बार पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, कुछ इस तरह जो है पेमेंट का ऑप्शन आता है। नीचे आएंगे, अभी मैंने जो है BPL की पेमेंट जो है फिल किया था फॉर्म, तो वो उसकी पेमेंट जो है यहाँ पर 2800 रुपये आ रही है, 2500 रुपये फीस है और 300 रुपये अदर चार्जेस हैं, ऐसा करके 2800 रुपये BPL कनेक्शन का चार्ज है और 4000 रुपये के लगभग जो है नॉर्मल कनेक्शन का चार्ज है, और कॉमर्शियल का दोस्तों और भी ज़्यादा हाई चार्ज है। तो दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये जो नल कनेक्शन का जो चार्ज यहाँ पर आप पे करते हैं, इसमें सारी फिटिंग के चार्ज शामिल होते हैं, कोई अलग से आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसा कि ये 2800 रुपये की जो फीस जो चालान कटा है या जो हमने ऑनलाइन पेमेंट की है, इसमें जो पाइप का चार्जेस है और जो भी चार्जेस हैं ये सारे चार्जेस इंक्लूड हैं इसी में, तो आप लोगों को अदर पैसे या अलग से कोई भी पैसा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है।